हेलो एवरीवन, दिस इज सूर्य एंड वेलकम टू बी अ गीक। आज हमारे पास हैकर रैंक के सी सेक्शन की एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है पॉइंटर इन सी। आज हम इसे सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है वो है कि पॉइंटर क्या होता है। तो बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो पॉइंटर होता है जो किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कराता है। अब हमें एड्रेस को स्टोर कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है। अगर हमें किसी के घर पे जाना है या तो हमें उसका नाम पता होना चाहिए या हमें उसके घर का एड्रेस पता होना चाहिए। अगर हमें उसका नाम पता है तब भी हम उसके घर पे जा सकते हैं, अदरवाइज अगर हमें एड्रेस पता है तब भी हम उसके घर पे जा सकते हैं। इसी तरह हमारा वेरिएबल्स के साथ है। अगर हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने एक ए वेरिएबल लिया उसके अंदर 4 वैल्यू डाल दी, तो जो हमारा वेरिएबल ए है वो मेमोरी में जाके कहीं ना कहीं पे स्टोर हुआ होगा। अगर हमें उसका एड्रेस पता लग जाए कि वो कहाँ पे स्टोर हुआ है तो हम उस एड्रेस को एक्सेस करके हम उस वेरिएबल तक जा सकते हैं। बट हम एक्सेस तो उसके नाम से भी कर सकते हैं, तो हम एड्रेस को यूज क्यों कर रहे हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक सिटी के अंदर कई सारी कॉलोनी है, लेट्स से कोई बंदा है सूर्य नाम से। अब सूर्य नाम से बहुत सारे बंदे हो सकते हैं उस सिटी के अंदर, बट जो उनका एड्रेस होगा वो यूनिक होगा। जैसे मेरा कोई एड्रेस अलग है और दूसरे बंदे का एड्रेस अलग है, तो वहां पे एक यूनिकनेस आ जाती है, तो हम उस यूनिकनेस को ही यूज करते हैं। अब ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग में कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन है और हमें एक वेरिएबल का एड्रेस पता है तो हम दूसरे फंक्शन के अंदर जाके भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं और थोड़ा इसको वाइडली देखने की ट्राई करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास दो फंक्शन है, जो पहला फंक्शन है सीटी नाम से और दूसरा फंक्शन है मेन नाम से। जो पहले वाले फंक्शन में एक वेरिएबल है इंट ए नाम से और दूसरे वाले में भी इंट ए नाम से। अगर हम यहाँ पे देखें दोनों के नाम सेम है बट दोनों का एड्रेस अलग अलग है। अगर हम इंट ए के अंदर सीटी के अंदर हम वैक्सीज कोई वैल्यू डाल देते हैं, ए के अंदर हम 5 वैल्यू डाल देते हैं एंड बी के यहाँ पे इसके अंदर ए के अंदर हम डाल देते हैं लेट्स से 6 वैल्यू। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमने डाली है वो ऐसा नहीं है कि हमने ए के अंदर 5 डाला हुआ है, यहाँ पे ए के अंदर 6 डाला हुआ है। वो दोनों के दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं और दोनों के दोनों अलग अलग एड्रेस पे जाके ही अपनी वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। प्रिंट एफ लगाते हैं परसेंटाइल डी और उनका एड्रेस को प्रिंट करा के देखते हैं। अगर हमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट कराना है तो हम एड्रेस ऑपरेटर लगा के उसको वेरिएबल का नाम दे देंगे। इसी तरह यहां पे करते हैं, प्रिंट एफ लगाएंगे परसेंटाइल डी एड्रेस ऑपरेटर ए। इसके बाद हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं सीटी नाम से जो हमारा प्रिंट करा रहा है कुछ वैल्यू को, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं और यहां से भी हमें रिटर्न कराना होगा 0। और अपने इस कोड को रन करा के देखते हैं एक बार। जैसे हम अपने इस कोड को रन कराएंगे तो हमारे पास जो एक प्रोग्राम निकल के आएगा ये वार्निंग दे रहा है। देखो इसने 2 अलग अलग वार्निंग दी, क्योंकि हम इसको ऐसे यूज नहीं करते हैं। अगर हम एड्रेस करा रहे हैं तो हमें एस्ट्रिस यूज करना होता है, वो भी हम देखेंगे किस तरह हम पॉइंटर्स में यूज करेंगे। बट जो यहाँ पे मेन चीज है, इन दोनों का एड्रेस, जो हमारा पहले वाला है वो मेन फंक्शन के अंदर जो ए है वो उसका एड्रेस है। इसके अंदर जो डिफरेंस है यहाँ पे मैं 400884116 यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, तो दोनों का एड्रेस डिफरेंट है। और यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर हमारे पास अलग अलग फंक्शंस हैं उनके अंदर सेम नाम से वेरिएबल हैं तो उनका जो एड्रेस है वो अलग अलग ही रहेगा, वे अलग अलग वैल्यूज को स्टोर कराएंगे, वे दोनों वैल्यूज आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगी, दोनों वेरिएबल आपस में इंडिपेंडेंट रहेंगे। इसके बाद देखते हैं कि हम अपने पॉइंटर्स को कैसे यूज करते हैं। अब हमारे पास मेन फंक्शन में एक इंटीजर था ए जिसके अंदर वैल्यू थी 6। अगर हमें उसका एड्रेस पता लग जाए, अगर हमें किसी चीज का एड्रेस पता है तो हम उसको कहीं पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इस वेरिएबल को जाके इस वाले फंक्शन में चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, और उसी का वर्क जो होता है वो पॉइंटर्स करते हैं। पॉइंटर्स ही हमारा एक ऐसा टूल है जो एड्रेस को स्टोर कराता है। अब हमें इस जो एड्रेस है, ये वाला हमारा नीचे जो एड्रेस आया है, इसको स्टोर कराने के लिए भी हमारे पास एक पॉइंटर होगा जो उस एड्रेस को स्टोर कराएगा। उस पॉइंटर की हेल्प से हम उसको जाके दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं, और यही हमारा कंप्लीटली प्रोग्राम है। तो अब देखते हैं कि पॉइंटर्स किस तरह वर्क करते हैं। तो सबको मैं हटा देता हूं और पॉइंटर्स देखते हैं किस तरह वर्क करते हैं। और मेन फंक्शन के अंदर ही हम अपना लिख लेते हैं। हमारे पास एक था इंटीजर ए नाम से, देन हम एक पॉइंटर करते हैं एस्ट्रिस ऑपरेटर पी। अगर हमें पॉइंटर को डिक्लेयर करना है तो उससे पहले हमें एस्ट्रिस ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो ये सिंपल सा पॉइंटर का एक सिंटेक्स होता है। इसके बाद हमारे पास ए के अंदर 6 वैल्यू थी। अगर हमें किसी भी पॉइंटर के अंदर एड्रेस डालना है तो अगर हमें किसी भी चीज का एड्रेस एक्सेस करना होता है, जैसे हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर ए था, तो हम क्या करेंगे, पी के अंदर उसका एड्रेस ही डालना है, तो एड्रेस ऑपरेटर ए लगा देंगे और पी के अंदर हमारा एड्रेस चला जाएगा। अब जो हमारा पी है वो एड्रेस को स्टोर कराता है ए के, और ए के अंदर है वैल्यू 6। ए के एड्रेस पे 6 वैल्यू है। अगर हमें पी की हेल्प से 6 को एक्सेस करना है तो हम कैसे करेंगे, तो अगर हमें उसको एक्सेस करना होता है हमें एस्ट्रिस ऑपरेटर पी लगाना पड़ता है। तो यहां पर मैं डिफाइन कर लेता हूं परसेंटाइल डी। मैंने इतने सारे लगाए हैं, अब देखते हैं कि हम किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहला एड्रेस ऑपरेटर ए हमें एड्रेस बताएगा। अब हमें 6 को एक्सेस करना था पॉइंटर के आते, तो हमें एस्ट्रिस ऑपरेटर पी, तब जाके हमें उसके अंदर जो वैल्यू है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो मिलेगी, जो कि हमारे पॉइंटर ने स्टोर करा रखी है।
इसके बाद अगर हमें देखना है कि जो हमारा पी है वो क्या स्टोर कराता है, वो ऑब्वियस सी बात है वो ए का एड्रेस स्टोर कराएगा। अगर हमें ए के अंदर की वैल्यू देखनी है कि ए के अंदर की वैल्यू क्या थी, हमारे एस्टिस पी और ए के अंदर सेम वैल्यू होने वाली है। इसके बाद हम एक चीज और देख सकते हैं, यहाँ पे हम एड्रेस ऑपरेटर लगा के पी का भी एड्रेस देख सकते हैं, क्योंकि पी भी एक वैल्यू को स्टोर करा रहा है तो उसका भी एक एड्रेस होगा। पी किसको स्टोर करा रहा है? ए के एड्रेस को, तो उसका वो कहां पे स्टोर कराएगा? वो भी एक अपने पर्टिकुलर एड्रेस पे स्टोर कराएगा। तो सिंपल सा ये है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको तो हम हटा ही देते हैं, कमेंट कर देते हैं और इस कोड को अपना रन करा के देखते हैं किस तरह वर्क कर रहा है। तो जैसे हम इसको रन कराएंगे तो हमारे पास कुछ आउटपुट के अंदर यहाँ पे आएगा, ऐसी वार्निंग आती है, इनको हम इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें एक एड्रेस मिला, उसके बाद हमें वैल्यू मिली 6, जो एड्रेस ऑपरेटर ए लगाया था, मतलब जो हमारा ए था उसका एड्रेस था ये, जो कि इक्वल होना चाहिए पी की जो वैल्यू है। पी किसको स्टोर करा रहा है? ए के एड्रेस को। तो हमने पी की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराया, दोनों की दोनों सेम है। अगर हमें 6 को एक्सेस करना, तो हमने एस्टिस पी यूज किया था तो हमारा 6 मिल गया, और हमें ए की वैल्यू पता ही है, वो 6 है ही, हमने उसको सिंपल प्रिंट करा के देखा था। और जो हमारा एड्रेस ऑपरेटर पी है, मतलब पी का एड्रेस, वो हमें यहाँ पे दिखा हुआ है, वो इन दोनों से डिफरेंट है। ये था 76, C76, और यह है 84। अगर हम यहां से एक बात नोट करें, 76 से 84 जा रहा है, तो यहां से देखते हैं कि हमारा जो कंपाइलर है वो 8 बिट कंपाइलर है, तो 8 बिट पे अपना वैल्यूज को स्टोर करा रहा है। तो सिंपल सा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि हम वैल्यू को एक्सेस कैसे करते हैं और वैल्यू को यूज कैसे करते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या है और अपने हैकर रैंक वाले प्रोग्राम को देखते हैं। ये हमारी पॉइंटर्स की बेसिक नॉलेज थी, बट यहाँ पे एक चीज और निकल के आती है, जो हमारा एड्रेस है। जैसे हमारे पास ये एड्रेस था, एक इंटीजर है, बट अगर हमें कैरेक्टर का एड्रेस को स्टोर कराना है, लेट्स सी हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैरेक्टर नाम से करते हैं, कैर नाम से हमारा एस है। अगर हमें एस के एड्रेस को स्टोर कराना है तो क्या हमें इंटीजर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है वो इंटीजर है? नहीं, हमें वहां पे इंटीजर के अंदर हमें अपना जो पॉइंटर है उसको इनिशियलाइज नहीं करना है। हमें कैरेक्टर का अगर एड्रेस स्टोर कराना है तो हमें कैरेक्टर टाइप का ही पॉइंटर चाहिएगा, भले ही वो अपना इंटीजर स्टोर कराए, तो हम क्यू नाम से एक पॉइंटर अलग डिक्लेयर करेंगे। अगर हमें फ्लोट टाइप का एक पॉइंटर चाहिए जो फ्लोट के एड्रेस को स्टोर करा रहा है, तो फ्लोट टाइप में ही डिक्लेयर होना चाहिए। जैसे हमारे पास फ्लोट है एफ नाम से, एंड एस्टिस ऑपरेटर लगाएंगे जेड, तो ये जो जेड है वो फ्लोट को ही स्टोर कराएगा, क्यू हमारा कैरेक्टर को ही स्टोर कराएगा और पी हमारा इंटीजर को ही स्टोर कराएगा। ओके, आई थिंक इतनी चीजें हमारी काफी हैं इसके लिए, पॉइंटर के लिए। अब अपने कोड को देख लेते हैं कि किस तरह करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव दे रखा है, इन दिस चैलेंज यू विल लर्न टू इम्प्लीमेंट द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ पॉइंटर इन सी। अ पॉइंटर इन सी इज अ वे टू शेयर अ मेमोरी एड्रेस अमंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट प्राइमरीली फंक्शन दे आर प्राइमरीली यूज वेदर अ फंक्शन नीड टू बी मॉडिफाइड द कॉन्टेंट ऑफ अ वेरिएबल दैट इट डज नॉट ऑन। अगर कोई फंक्शन किसी वेरिएबल का कंटेंट को मॉडिफाई करना चाहता है दैट इट डज नॉट ओन, तो वहां पे ही हम अपना पॉइंटर यूज कर सकते हैं, तो जो हमने पहले भी देखा है। अभी हम देखेंगे कि इसको वाइडली कैसे यूज करते हैं, अभी हमने फंक्शन के अंदर तो नहीं देखा है। इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल प्रीपेंड दैट विद एड्रेस साइन, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस ऑपरेटर वैल्यू रिटर्न द मेमोरी एड्रेस ऑफ वैल्यू। जो हमने देखा है कि हम ए का कैसे एड्रेस निकाल रहे थे, दिस मेमोरी एड्रेस इज असाइन्ड टू अ पॉइंटर एंड कैन बी शेयर अमंग वेरियस फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल int *p address operator value will assign the memory address of value to pointer p to access the content of the memory to which the pointer point prepend it with an asterisk. For example, *p will return the value reflected by value and any modification to it will be reflected at the source. तो सिंपल सी बात, वो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। अब देखते हैं कि फंक्शन के अंदर हम किस तरह उसको यूज कर रहे हैं, तो यहां से समझ लेते हैं। हमारे पास एक मेन फंक्शन था, इसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल है ए नाम से, देन हमने क्या किया, उस वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट करा दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, इंक्रीमेंट एड्रेस ऑपरेटर ए, तो हमने क्या किया, इंक्रीमेंट एक फंक्शन है, उसके अंदर हमने पास कराया एड्रेस को। अगर हम एड्रेस पास करा रहे हैं तो दूसरा जो फंक्शन है उस एड्रेस को एक्सेस करना चाहेगा, और अगर हमें एड्रेस को स्टोर कराना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, पॉइंटर। तो उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूमेंट के अंदर उन्होंने पॉइंटर दे दिया एड्रेस ऑपरेटर वी। अब हम उस एड्रेस पे हैं, अब हम उस एड्रेस पे अगर वैल्यूज को चेंज करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शन वो हमारे ए के अंदर भी आएगा। एस्ट्रिस वी प्लस प्लस कर रहे हैं, एस्ट्रिस वी का मतलब क्या है, जो वी के अंदर एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट करा रहे हैं, तो वो हमारा ये दे रहा है। यहां पे हमें रिटर्न कराने की जरूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमारा वॉइड टाइप में है। देन इसके बाद में हम प्रिंट कराएंगे जब वापिस है, तो उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंटेड मिलेगी। इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी एंड इसको यहां पे जाके पेस्ट कर देते हैं और देखते हैं कि किस तरह वर्क कर रहा है।
इसको रन करा के देखते हैं। और यहाँ पे बेसिकली हम स्कैन करा रहे थे, जैसे हम उसके अंदर 5 डालेंगे तो हमें 6 मिल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने 5 डाला, हमने यहाँ से उसका एड्रेस पास कर दिया, उसने उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करा दिया और उसका रिफ्लेक्शन A के अंदर मिल गया। तो ये हमारा सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम को एक वैडली जिन्होंने एक टास्क दे रखा है उस पे यूज करके देखते हैं कि किस तरह यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे टास्क देखते हैं हमारा क्या है। कंप्लीट द फंक्शन वॉइड अपडेट इंट एस्ट्रिस ए इंट एस्ट्रिस बी, इट रिसीव टू इंटीजर पॉइंटर एस्ट्रिस ए एंड एस्ट्रिस बी, सेट द वैल्यू ऑफ ए टू देयर सम एंड बी टू देयर एब्सोल्यूट डिफरेंस। एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या होता है, मतलब वो हमेशा जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारे पास 1 माइनस 2 करते हैं तो हमें 1 देगा। देयर इज नो रिटर्न वैल्यू एंड नो रिटर्न स्टेटमेंट इज नीडेड। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नीड नहीं होती बिकॉज हम वहाँ पे एड्रेस पे वर्क कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न कराने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद में वैसे हम रिटर्न करा सकते हैं, रिटर्न 0 करा दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट रिटर्न कराने के लिए उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा, वो वर्थ नहीं होता। इसके बाद में हमारे पास दे रखा है ए डैश के अंदर हम क्या स्टोर करा रहे हैं और बी डैश के अंदर क्या स्टोर करा रहे हैं। इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। द इनपुट विल कंटेन टू इंटीजर ए एंड बी सेपरेटेड बाय अ न्यू लाइन। आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। मॉडिफाइड द टू वैल्यूज इन प्लेस एंड कोड स्टब मेन विल प्रिंट देयर वैल्यूज। नोट इनपुट आउटपुट विल बी ऑटोमेटिकली हैंडल्ड। यू ओनली हैव टू कंप्लीट द फंक्शन डिस्क्राइब इन द टास्क सेक्शन। तो हमें जो टास्क सेक्शन है उसके अंदर जो फंक्शन है उसी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने किस तरह वर्क किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल सा देखें, मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं ए और बी नाम से। इसके बाद में एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर है पी ए नाम से जो ए के एड्रेस को स्टोर करा रहा है। तो हमने क्या किया, उसके अंदर ए का एड्रेस डाल दिया है और हमारे पास एस्ट्रिस पी बी जो हमारे पी का एड्रेस को स्टोर करा रहा, बी के एड्रेस को स्टोर करा रहा है, उसके हमने अंदर बी का एड्रेस डाल दिया है। इसके बाद में हमने क्या किया, स्कैनएफ लगाया और एड्रेस ऑपरेटर ए एंड एड्रेस ऑपरेटर बी के साथ हमने अपनी वैल्यूज को स्कैन करा लिया। इसके बाद हमने क्या किया, पी ए और पी बी को पास करा दिया। अब पी ए और पी बी को पास कराने से मतलब क्या है, पी ए के अंदर वैल्यू क्या है, ए का एड्रेस, तो हमने ए का एड्रेस पास कराया और बी का एड्रेस पास कराया। और जब हम एड्रेस को पास करा रहे हैं तो हमें उस एड्रेस को स्टोर भी कराना पड़ेगा, और एड्रेस को हम स्टोर कहीं में कराते हैं, पॉइंटर्स में। तो हमने यहाँ पे दो पॉइंटर को डिक्लेयर किया है, इंटीजर एस्ट्रिस ए एंड एस्ट्रिस बी। तो अब हमें क्या करना है, इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है और हमें वो प्रिंट करा देना है। अब ए के अंदर हमारा उनका एडिशन होगा और बी के अंदर हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा, तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। इसको बड़ा सिंपली करने की ट्राई करते हैं। तो एक करते हैं इंटीजर लेते हैं इंट आई एंड जे, देन हम क्या करते हैं आई इज इक्वल टू करते हैं एस्ट्रिस ए प्लस एस्ट्रिस बी। तो इससे मतलब क्या है, हम एस्ट्रिस ए कर रहे हैं और एस्ट्रिस बी कर रहे हैं, उनको एड कर रहे हैं दोनों। जो हमारा पॉइंटर ए है उस पे जो वैल्यू है हम उसको एक्सेस कर रहे हैं एस्ट्रिस ए की हेल्प से, और एस्ट्रिस बी की हेल्प से जो पॉइंटर बी पे वैल्यू है उन दोनों को ऐड कर रहे हैं, आई के अंदर वो स्टोर हो जा रही है। इसके बाद क्या करते हैं, जे इज इक्वल टू करते हैं, अब हम यहाँ पे एबीएस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। एबीएस फंक्शन क्या होता है, एक एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपनी एक हेडर फाइल होती है math.h, math.h के अंदर हमारे पास अलग अलग फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे स्क्वायर रूट हो गया, हमारा ये हो गया एब्सोल्यूट फंक्शन एबीएस। तो हम क्या करेंगे, एबीएस फंक्शन यूज कर लेंगे एबीएस। एबीएस फंक्शन क्या होता है, वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा अगर उसके अंदर हम कोई भी इवेल्युएट कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे करते हैं एस्ट्रिस ए माइनस एस्ट्रिस बी। अब इसके अंदर से जो भी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, देन हमारे पास आई और जे के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें क्या करना है, उस ए के एड्रेस पे हमें आई की वैल्यू को डाल देना है। तो हम क्या करेंगे, एस्ट्रिस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आई एंड एस्ट्रिस बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जे, और हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब एस्ट्रिस ए इज इक्वल टू आई हमने क्यों किया, तो जो हमारा एस्ट्रिस ए है वो वैल्यू को स्टोर करा रहा है आई की, और बी हमारा जे की वैल्यू को स्टोर करा रहा है। आई की वैल्यू हमारी सम की वैल्यू है और जे की वैल्यू हमारी एब्सोल्यूट डिफरेंस की वैल्यू है। तो हमें यही करना था, हमारी वैल्यू यहां से चेंज हो जाएगी उस एड्रेस पे। हम यहाँ पे एस्ट्रिस ए लगा रहे हैं मतलब हम उस वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, उस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, ना कि एड्रेस को। और जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, अपने कोड को रन करा के देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो देखने तो आई बटन में लिंक है, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। अगर आपको इस प्रोग्राम का फोटो देखना तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी आपको नीचे दिख रही होगी। जितने ही प्रोग्राम से सभी के फोटोज वहां पे अवेलेबल हैं। अगर आपको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप वहां से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक्डइन सभी की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और हम यहाँ पे एक जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है वो बना रहे हैं, आप इसको जाके एक्सेस करें और देखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।